सर डोटासरा जी आजकल आपको बहुत याद करते हैं, जाके जाते हैं, क्या चुनाव में डोटासरा वर्सेज राठौड़ रहने वाला है? देखिए चुनाव में जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, जनता हमारे साथ रहेगी। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं और कई बार चुनौती भी देते हैं। अब वो बड़े नेता है, मैं छोटा नेता हूँ। वो मैं 7 बार जीता हूँ, वो 3 बार जीत गए, तुरंखा बने हुए हैं। तो अगर कहीं वो उनको अगर घमंड है तो आगे के मुकाबला कर लेंगे। मैं तो पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हूँ। देखिए हमें उस लक्ष्मणगढ़ की सभा के उस क्लिप को सब जगह दिखाने वाले हैं, जहां सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े होकर महरिया जी, रणवा जी, दिनेश जी और उसके बाद वो बाकी आकांक्षी भी एक जगह खड़े होकर हाथ खड़ा करके कहते हैं कमल का फूल जो लेकर आएगा, जिस किसी के हाथ में कमल का फूल होगा, चाहे वो इनमें से हो चाहे और हो, उसके साथ ये खड़े मिलेंगे। ऐसी अनेकता में एकता तो पहली बार आई, यही तो हमारी पूंजी है। देखिए मैं आज प्रतिपक्ष का नेता, मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं कहीं का प्रत्याशी हूँ। ये अधिकार हमें दिया ही नहीं है, ये अधिकार हमारी भूमिका क्या होगी? आप उसी दिन ने कहा कि मैं और रणवाजी ये तो प्रत्याशी हैं। अगर पीछे आप अलग ही को बुला रखा है, अगर हम ये दावा करें हम वहाँ प्रत्याशी होंगे तो फिर हमारा नेतृत्व क्या करेगा? मन से दावा किया कि हम तो प्रत्याशी हैं, लेकिन है वो है या वो मन से खंडन भी नहीं करे। आज मैं कह रहा हूँ, प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि मैं भी कहीं का प्रत्याशी हूँ या नहीं, इसका दावा इस बात का निर्णय करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हमारी भूमिका क्या होगी चुनाव में ये हमारा नेतृत्व तो तय करेगा। और आज केडी बाबर साहब से लेकर और प्रेम सिंह जी तक हम जितने बैठे हैं, हम संकल्प बद्ध हैं कि हमारी भूमिका जो बताएंगे, अगर हमारी भूमिका बदलती है चुनाव नहीं लड़केंगे, नीचे काम करेगा।